जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद हाजिर हैं और बात हो रही थी हरा धनिया की। हरा धनिया देखिए ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। एक तो जो है ये आपकी मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, आपके वज़न को भी घटाता है, और अगर आपकी आई साइट वीक है उसके लिए भी बहुत शानदार चीज़ है। और ये इसको आप अगर वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। अब अमूमन जो ख़वातीन करती हैं, हमारी बहनें वही करती हैं कि हरा धनिया की जो है पत्तियाँ ले लेती हैं और इसकी जो जड़ें होती हैं और या जो इनकी अंदर की चीज़ें होती हैं वो छोड़ देती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसमें चंद पुदीने की हमने पत्तियाँ लेनी हैं, इसमें फिर देखना है कि कौन सी पत्तियाँ वो हैं। तकरीबन चलें हम इतनी ही ले लेते हैं, ठीक है। और ये पत्तियाँ हम इसे इस्तेमाल किस तरह हमने क्या क्या चीज़ें करनी हैं ये भी आप देखते जाइएगा। ये चंद हमने ले ली और अब ये हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इसके जो जड़ें होती हैं ना हमने सिर्फ वो कटिंग करनी है, ठीक है। ये यहाँ से ये इतने हिस्से तक हमने ये कटिंग कर दी और बाकी जो है हम वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम इसको हम पहले थोड़ा थोड़ा सा इसको हम काट लेंगे, ठीक है। इसको हम इस तरह भी काट सकते हैं और एक आसान चीज़ और भी है, आप इसे कैंची से भी काट सकते हैं। ये देखें, ठीक है। आप जो है इसे ये नहीं कि आप इस चीज़ को छोड़ दें, जो इसके साथ लीव आई हुई होती हैं इनको ज़रूर इस्तेमाल करें, यह आपके वज़न कम करने में आसानी पैदा करेंगी। और ये एक ऐसा ज़बरदस्त यानी कि इसका रिज़ल्ट है कि आप देख के हैरान रह जाएंगे कि किस तरह आसानी से आप वज़न कम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मैं बताता चलूं कि इसके लिए थोड़ा सा आपको एहतियात करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपनी कैलोरीज़ को, मैं जैसे कि बताता हूं आपको, अपनी कैलोरीज़ को का ख्याल रखना पड़ेगा कि जैसे आप हर सेहतमंद इंसान को तकरीबन 10 से 15 3500 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है एक सेहतमंद इंसान को। और अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं तो आपको फिर 600 से लेकर 900 या 1000 कैलोरीज तक की ज़रूरत पड़ती है। बाकी एनर्जी जो है वो आपके जिस्म की जो फैट है वो आपकी कारामद होती है। अब देखिए ये हरा धनिया जो है मैं इसके अंदर डालूँगा, ये हरा धनिया हमने इसके अंदर डाल दिया और इसके अंदर हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे। और ये इसका हम इसका पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। और ये देखिए कितना अच्छा बहुत है। ये देखें ये पेस्ट इसका ये बन गया, ठीक है। अब आपने इसे दो टाइम जो है आपने इस्तेमाल करना है इसे, एक तो जो है आपने सुबह नहा धो इस्तेमाल करना है और एक जो है आपको रात के वक्त इस्तेमाल करना है। मैं बल्कि इसे ग्लास में निकाल लेता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आपको पता भी चल जाए कि आपको किस तरह करना है। जितनी मैंने पत्तियाँ ली थी इसको हम बारीक पीस लेंगे और इसे उसके साथ ही इस्तेमाल करना है आपने। अच्छा जी, अब हम आपको पता है लेमन का इस्तेमाल जो है वो लाजमी आप कर सकते हैं, लेमन का इस्तेमाल आपको बहुत ज़रूरी करना है। ये देखिए ये हम इसमें एक छोटा लेमन है तो वो आपने एक पूरा लेना है, नहीं तो ये आप हाफ ले सकते हैं। जिन लोगों को गले आने की शिकायत है, गला ख़राब हो जाता है, तो वो कम मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। इसमें विटामिन सी होता है और बहुत फायदेमंद रहता है। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। जी डॉक्टर, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ, मैना। क्या हैदराबाद से? जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? जी भाई, मेरा वजन काफी बड़ा हुआ है, मेरी उम्र 38 साल है और मेरा कद तकरीबन 5 फीट है। अच्छा ठीक है, सही। तो जी हाँ, एक तो ना वजन मेरा काम सारा दिन बैठने का होता है,
इसलिए मैं वजन कम नहीं होता। शाम के टाइम वॉक भी करती हूँ, सुबह को नॉर्मली आधी रोटी खा ली चाय के साथ, सुबह को तकरीबन एक रोटी, रात को कभी खाती हूँ कभी खाती भी नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। आपकी एज कितनी है? 38। अच्छा ठीक है। और बेबी हैं आपके? जी जी हाँ बिल्कुल, तीन बच्चे हैं मेरे। तीन बच्चे हैं आपके? अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी है या उसके सीजरियन है? नहीं नॉर्मल ही है। नॉर्मल है ठीक है। अच्छा ये बताइए, अभी आप वॉक कितनी करती हैं डेली? शाम को तकरीबन 5.5 से 1 घंटा करती हैं। अच्छा 1 घंटे तक करती हैं, ठीक है। आप ये बताइए, पराठे वगैरह खाती हैं? जी नहीं, मैं मतलब काफी पहले काफी बड़ा हुआ था इसलिए मैंने फिर वेट कम किया था, तो फिर एक बेबी हुआ उसके बाद जो है ना वो तकरीबन थोड़ी सी मैं बीमार भी हो गई, फिर काफी बढ़ गया है अभी तो जैसे 70, लेकिन मैं ना काफी वो करती हूँ। अच्छा आप ये बताइए कि आपके जब आप बीमार हुई थी तो आपके क्या ड्रिप वगैरह लगी थी या मल्टी विटामिन टेबलेट डॉक्टर ने लिख के दी थी आपको? जी नहीं, प्रोटीन काफी दी थी और मेरा जो अच्छा आप ये बताइए, आपका ब्लड तो कम नहीं है? जी ब्लड तो कम नहीं है आपका? नहीं वो मैंने चेक करवाया था, तकरीबन 12 पॉइंट है। अच्छा चले ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू शो में शामिल होने का। अब देखिए जनाब, मैंने इसके अंदर हरे धनिए की पत्तियां ली हैं और उसके साथ एक गिलास हमने पानी लिया है। पानी लेने के बाद हमने इसके अंदर लेमन डाला है और ये बहुत ही जायकेदार और बेहतरीन है। और जैसे कि आपको मालूम है कि लेमन जो है या सिरका, दो चीज़ें ऐसी होती हैं आपके जिस्म की यानी कि फैट की दुश्मन होती हैं, और ये ऐसी दुश्मन होती हैं जो आपके जिस्म से जायद चर्बी को जो है कटर करती हैं और ये काट कर जिस्म से बिल्कुल फेंक देती हैं। इसका इस्तेमाल आप अगर 2 टाइम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप ये देखिएगा कि 15 दिन में आप मैजिकली तौर पर बहुत चेंज नज़र आएंगे, बहुत खूबसूरत नज़र आएंगे। आपका बढ़ा हुआ पेट, फालतू चर्बी, वर्म, सूजन ख़त्म करने के लिए ये बहुत शानदार ड्रिंक है और कोई ख़र्चा नहीं है, यानी कि 20 रुपये में आप शानदार से शानदार, यानी कि डेली आपने 20 रुपये खर्च करने हैं और आप ये देखिएगा 1 महीने में आप शानदार, खूबसूरत और स्लिम स्मार्ट नज़र आ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा देखें 5 रुपये की या 10 रुपये की ये हरा धनिया की गड्डी मिलती है और अच्छी खासी ये 2-3 दिन आपकी चली जाएगी। और ये लेमन है ये भी 5 रुपये का या 10 रुपये का आपको मिलेगा, ठीक है, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके लिए बेहतरीन है। दूसरा ये कि आप एक तो अपनी डाइट को चेंज कीजिए, डाइट को चेंज इस तरह करना है कि अपने लाइफ स्टाइल को, कि जल्दी सोने की आदत डालिए, जल्दी उठने की आदत डालिए, वॉक आप कीजिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज वो आपके लिए बेहतरीन रहती है। और देखिए ओवर जोड़ पट्ठों का दर्द जो होता है ना, इजी पैन गो के जो है आप हमारी ये प्रोडक्ट भी मंगा सकते हैं, इजी पैन गो का। ये होता क्या है कि जब आपके जोड़ पट्ठों में दर्द होता है तो ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं, जब मोटापा आता है तो ये आपका वज़न ऑटोमेटिकली ही जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। जब वज़न बढ़ता है तो ज़ाहिर बात है इजाफी वज़न जो है आपकी हड्डियों पे आता है, जोड़ पट्ठों में दर्द होता है और ये बड़ी यानी कि परेशानी का सबब बनता है। आपका सांस लेना मुश्किल हो जाता है, दूसरा ये कि आप परेशान हो जाते हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। शुक्र करें जोया कि आपका इतना वजन नहीं बढ़ा कि आपके जोड़ पट्ठों में दर्द हो जाता। नहीं नहीं अल्लाह का शुक्र है, हाँ, नहीं हुआ ऐसा कुछ, क्योंकि अगर जो है आप अगर उसे लूज छोड़ देती और आपको कंट्रोल नहीं करती तो ये प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती थी। बाकी जोड़ पट्ठों का दर्द भी एक प्रॉब्लम होता है कि आपका अगर शोल्डर के दर्द हो और आपके बरसा बरस पुराने दर्द हो, कमर का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, शोल्डर पेन हो या इसके अलावा और दीगर पेन होते हैं जैसे कि कमर की हड्डी में दर्द हो जाना, घुटने में दर्द रहना, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत आपका यानी कि जिस्म में सूजन और जो है गठिया कमर या अरखोनिसा, क्योंकि जिस्म में जब बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में यूरिक एसिड बढ़ता है तो ये गठिया का मर्ज इख्तियार कर लेता है। इसके लिए एलोवेरा बहुत ज़बरदस्त रहता है, इसका इस्तेमाल भी आप अगर हर्बल में जाएँ तो कलौंजी है, अजवाइन है, इसका पानी भी आप पी सकते हैं। बाज़ ख़वातीन का जो है बिफोर और आफ्टर प्रेगनेंसी में भी जिस्म में दर्द होना शुरू होता है, वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे होता है, विटामिन डी की कमी की वजह से भी होता है,
तो ये सर्दियों में जो है आपके लिए बेहतरीन है कि आप इसकी अगर धूप लेते हैं सुबह की, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जो लोग बहुत ज़्यादा दर्द के, हड्डियों के और पट्टों के दर्द के शिकार हैं, वो लोग ये अप्सरा ये इजी पैन गो मंगा सकते हैं। होम डिलीवरी इसकी पूरे पाकिस्तान में फ्री है, आप इसे मंगा कर इस्तेमाल करें। ये हर्बल और होमियो इन्ग्रीडियंट्स पर बनी हुई चीज़ें हैं। इसके अंदर एक पाउडर होता है जो दूध में मिला के अगर आप पीते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी हड्डियों में ताकत दोबारा से बहाल हो जाती है और कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन डी की वाफिर मकदार जो है उसके अंदर आपको फ़ायदा पहुँचाते हैं। ये तकरीबन हमारा ये ड्रिंक बहुत रेडी हो गया है। और ये याद रखिएगा, जब भी कोई होम रेमेडी आप बनाएं, तो कोशिश ये करें कि कांच का गिलास होना चाहिए, ये कांच की ट्रे होनी चाहिए, इससे आपके लिए बहुत ज़बरदस्त इनके रिजल्ट आ सकता है। ये ड्रिंक आपने 2 टाइम पीना है और फिर ये देखिएगा कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला। अच्छा जी, हाँ मैं बताऊंगा आपको कि एक ड्रिंक और भी, क्या आपने अदरक जो है आपने लेना है, अदरक का जो है हमने 1 इंच का टुकड़ा लेना है, ठीक है। ये अदरक का 1 इंच का हमने टुकड़ा लिया और हम इसको इसमें कटर कर लेंगे। अदरक खाती हैं जो है आप? हाँ मैं खाती हूँ। ये इसके छोटे छोटे पीसेस जो है करने हैं। लहसुन और अदरक आपके जिस्म का यानी कि इजाफी मोटापा कम करने के लिए बहुत बेहतरीन रहता है, इसको आप ले सकते हैं। ये तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा हमने इसमें लेना है अदरक, जिसे जिंजर भी कहते हैं। और इसके साथ हम लेंगे गार्लिक, लहसुन, लहसुन की हमने 3 जो है जगह लेनी है, इसको भी हम इस तरह कर लें। लहसुन अदरक जो है ये आपके जिस्म के इजाफी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, दिल की जो शरियानें होती हैं उनमें खून की रवानी को तेज़ करता है, आपके जिगर को अच्छा करता है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि मैं कुकिंग में एक्सपर्ट हो गया हूँ, और होना चाहिए इंसान को कि तमाम चीज़ें आनी चाहिए। कभी कभार मैं कुकिंग भी करता था, अब तो नहीं करता, खैर अब टाइम ही नहीं होता इतना। और ये तकरीबन हमने 3 अदद जो है इसका लेना है, और ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। और जिस तरह मैं ये बता रहा हूँ, जो लोग बहुत शिकायत करते हैं कि जी हमारा मोटापा तो कम ही नहीं होता, हमने कितनी कितनी होम रेमेडीज़ करनी है, बस जो डाइट मैं आपको बता रहा हूँ वो कीजिए कि आपने मीठा अपना जो है स्टॉप कर दें, और बाकी जितने बिस्किट बेकरी के आइटम है ना, ये आप बंद कर दें और ये इस्तेमाल करें, तो आप ये देखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये चीज़ें जी मैंने ली हैं। अब हम इसके अंदर एक ये बॉल लेंगे, और ये बॉल के अंदर हम जो है इसके अंदर तेज़ गर्म पानी, ठीक है, ये तो ठंडा पानी है, लेकिन बाप ने बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी लेना है, ठीक है। ये तेज़ गर्म पानी हमने ले लिया इसके अंदर, और इसके अंदर हम फिर पहले डालेंगे हम जी इसके अंदर अदरक, ये हमने इसके अंदर भी डाल दिया अदरक, अदरक और लहसुन ये हमने डाल दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये तमाम चीज़ें। ये देखिए, अब आपने क्या करा कि सबसे पहले जो है हम इसमें ये जो मेन चीज़ है इसमें है ये काला ज़ीरा जो है हमने 1 चम्मच डालना, ठीक है। 1 चम्मच डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन भी हमने 1 चम्मच डालनी है, ठीक है। इसके बाद कलौंजी की हमने सिर्फ 1 चुटकी लेनी है, ज़्यादा नहीं लेना, हमने 1 चुटकी लेनी है, ठीक है। और इसके साथ हम 1 इंच का टुकड़ा लेंगे दालचीनी का, ये तकरीबन इतना, इसके हम 2 पीस कर लेंगे, और ये कर। अच्छा, अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से
या तो तेज़ गर्म पानी में डालना है, नहीं तो आप इसे एक पतीले में डालने के बाद इसे आपने अच्छे तरीके से जो है बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद जब देखें कि इसके 2-3 उबाल आ गए हैं, जब ये बॉयल अच्छे तरीके से हो जाए तो इसके अंदर हमें इसे छानना है और इसके अंदर क्या चीज़ मिलानी है वो मैं आपको बताता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।